पुनर्विवाह है। तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक एक पल की जुदाई भी मुद्दत सी लगती है। पहले नहीं सोचा था, अब सोचने लगी। जिंदगी के हर लम्हों में तेरी जरूरत सी लगती है। बस यही इल्तिजा है कि रहना मेरे साथ आखिरी सांस तक मेरी धड़कन में। वाह क्या बात है भाभी, क्या बात है, कमाल कर दिया है एकदम। अब यश अब तेरी बारी है, चल। हाँ भैया शुरू हो जा। चलिए यश भैया इस मामले में थोड़े कमजोर हैं, तो मेरे ख्याल से इन्हें हमारी मदद की जरूरत। मोहब्बत हर इंसान को आजमाती है, किसी पर उठ जाती है तो किसी पर मुस्कुराती है। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, किसी का कुछ नहीं चाहता तो किसी की जान चली जाती है। वाह क्या बात है यश, कमाल कर दिया तूने यार। वैसे आरती भाभी के इश्क ने आपका दिल चुरा लिया ना भैया, और जाहिर हो गया कि आपके पास मोहब्बत से भरा एक धड़कता हुआ दिल है, राइट? मैं चलता हूं, एक बहुत जरूरी काम है। यश कंग्रेचुलेशंस। आरती जी आपको भी मुबारक हो। थैंक्स टू यू, आपके आने से मेरे भैया ने मेरी भाभी को अपनी दिल की बात कह दी, जिसका हम कितने टाइम से वेट कर रहे थे। मैं चलता हूं। बाय। प्रशांत मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है प्रशांत, तुम्हारा इस तरह मेरे घर पे आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज दरअसल मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात कहनी है, कल रात को तुम। बस प्रशांत मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे दोबारा ऐसे बात करने का मौका नहीं दोगे। प्रशांत तुम देख चुके हो, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने था। जितना मैं यश जी से प्यार करती हूँ, यश जी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। अब तो तुम्हारे दिल और दिमाग में कोई ऐसा शक नहीं रह गया होगा। देखो आरती मैं तुमसे। प्रशांत प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्रशांत मैं यश जी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। मैं नहीं चाहती कि मेरी इस जिंदगी में मेरे अतीत का साया पड़े। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज प्रशांत। ये पुनर्विवाह नहीं करना चाहती थी प्रशांत, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती थी। लेकिन मुझे ये पुनर्विवाह ना चाहते हुए भी करना पड़ा। भगवान से यही मनाऊंगी कि तुम जहां भी रहो जिसके साथ भी रहो खुश रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा है।
सबके सामने आते जी ने कह तो दिया कि अब मैं उनकी जिंदगी, उनका प्यार हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और है आरती जी। यहाँ आकर अकेले में आप अपने असली प्यार से माफी मांग तो रही हैं, पर क्यों आरती जी? ये कैसी मजबूरी है? क्यों दोहरी जिंदगी जी रही हैं आप? क्यों आरती जी? अंश, स्कूल जाने का टाइम हो रहा है और तुम अभी तक सोए हुए हो? चलो उठो। बुखार है मम्मा और सर्दी भी है। तो मेरे अंशु को सर्दी और बुखार हो गया है? अच्छी, देखा अच्छी भी आ गई। मैं भी तो देखूं जरा। अरे बाप रे, अंश को तो सच में बहुत तेज बुखार हो रहा है। स्कूल नहीं जाना ना अंश को? अच्छा अच्छा। चोरी पकड़ी गई ना? जो बच्चे डाबर च्यवनप्राश खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी 3 गुना ज्यादा होती है। मतलब बीमारियों से लड़ने की शक्ति 3 गुना ज्यादा। इसीलिए उन्हें सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार ये सब हो ही नहीं सकता। इसलिए ये बहाने मारने छोड़ो और जल्दी उठो, तैयार हो जाओ। मम्मा तो सब जानती है। कैसे नहीं जानेगी? अपने बच्चों को डाबर च्यवनप्राश जो खिलाती हूँ। अक्सर माए मुझसे पूछती है कि वो तो अपने बच्चों को हरी सब्जी, दाल, रोटी, दूध सब खिलाती पिलाती है, फिर भी वो क्यों बीमार पड़ जाते हैं, क्यों स्कूल नहीं जा पाते? तो मेरे पास उसके लिए एक ही जवाब होता है, 100% अटेंडेंस के लिए डाबर च्यवनप्राश। अंश तो बहुत इंटेलिजेंट है, सबसे स्मार्ट। वेरी गुड, चलो अब जल्दी से जाइए, तैयार होकर आइए स्कूल के लिए। मेरी बात हो गई है, शाम को 7 बजे मीटिंग है क्लाइंट के साथ, और मेरे ख्याल से आज ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। जी बाबूजी, मैंने कोटेशन तैयार कर ली। आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम होगी। एक बार मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा कि मीटिंग कैसी रही। ठीक है। और क्या कर रही हो? नाप ले रही हूँ जी। और बाबूजी, आपके लिए कॉफी। मम्मी जी, आपके लिए अदरक की चाय। बुआ जी, आपके लिए मसाला चाय। और यश जी, आपके लिए लेमन टी। सिंधिया परिवार इस मामले में बहुत भाग्यशाली है। गायत्री की टीम में एक नहीं, 3-3 आज्ञाकारी और सुशील बहुएं यानी हाउसवाइफ्स हैं, जिनका पूरा दिन मेरे बेटों, मेरे पोते पोतियों और इस पूरे घर का ध्यान रखने में कहां निकल जाता है, इन्हें पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर, वरना हर कोई ऐसा कहां सोचता है कि आरती बहू सुबह से शाम तक हम बिजी हैं और लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ बनना इजी है। जी हाँ, एक घरेलू औरत के जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभवों को लेकर और कभी मुस्कुराती कभी दुखी होती पर आधारित जी टीवी एक नए धारावाहिक के साथ आ रहा है, तो देखना ना भूलिए 31 दिसंबर से शाम 7 बजे। हाउसवाइफ है सब जानती है, सिर्फ जी टीवी पर। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि माँ के घर हो आऊं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। बेटा, इसमें पूछने की क्या बात, वो भी तो तेरा अपना घर है। हुआ। आरती जी, आप आओ। We'll be right back.
सूत्र? ये तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है ना भाभी? पति पत्नी के रिश्ते की, वैवाहिक सुख की निशानी इस तरह टूट जाए तो मेरे भगवान की कसम अब पता नहीं क्या होगा। कहीं ये किसी आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं? माया, तुम भी तिल का ताड़ा बना देती हो। शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि चंद मोतियों के बिखरने से टूट जाए। आती जी आप ये सब मत करिए। एक मिनट, ये लीजिए। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, कैसे हो गया ये सब। अरे बहू, क्यों कोस रही है अपने आप को? तूने जानबूझकर थोड़े ही किया है। कल जाकर जौहरी से मंगलसूत्र बनवा लेना, तब तक के लिए कुछ और पहन ले, ठीक है? यश जी देखिए ना, इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ उसे जोड़ने का, लेकिन ये जुड़ ही नहीं रहा। कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है आरती जी, टूटी हुई चीजें छुटती नहीं। ऐसे कैसे नहीं जुड़ेगा? मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ, वो भी अभी। अगर मन में सच्चाई और लगन हो तो सब कुछ जुड़ सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। वैसे मैंने इसे कच्चे धागे में पिरो दिया है, लेकिन अभी ये कमजोर है। इसे मजबूत बनाने के लिए मुझे इसे जौहरी के पास लेके जाना होगा। आप प्लीज मुझे ले चलेंगे? आरती जी, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं लैपटॉप लेने आया था। सॉरी यश जी, लेकिन आपकी मीटिंग से ज्यादा जरूरी ये काम है, प्लीज मुझे ले चलिए। और आज मैं ना सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आरती जी, मेरा जाना जरूरी नहीं है, आप भाभी को लेकर जाइए। वाह, ये तो सरासर नाइंसाफी हुई। शादी आपने मेरे साथ की है, मेरा हाथ थाम कर सात फेरे आपने लिए, और मंगलसूत्र ठीक कराने भाभी जाए मेरे साथ? नहीं नहीं, आपको ही मेरे साथ चलना होगा। यशी प्लीज चलिए ना। कुछ रिएक्ट भी नहीं।
दवाई का टाइम हो गया है, दवाई ले लीजिए। नहीं, मैं ये दवाई तब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप ये कह नहीं देते कि आप मुझे जौहरी के पास लेके जाएंगे। आरती जी बच्चों की तरह जिद नहीं करते, ले लीजिए। आपको क्या पता यश जी, जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो बच्चों जैसी ही जिद करने लगती है। ये बात आप थोड़ी ना समझेंगे। जाइए दूसरों की शादियां करवाइए, अपनी शादी की फिक्र कहाँ है आपको। मैं दवाई तब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे जौहरी के पास नहीं ले जाते। ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दवाई खानी होगी। ठीक कह रहे हैं जी, आप मीटिंग पे ही चले जाइए। ये मैं बाद में जुड़ने के लिए दे दूंगी। और मुझे तो याद आया, मुझे मुझे माँ से भी मिलने जाना था, वो मेरी राह देख रही होंगी। मैं आती हूँ। चलना है फ्रेंड अंकल से मिलने। ये अपने झूठ में आपने इस मासूम बच्चे को भी शामिल कर लिया आरती जी। हेलो मिस्टर सिंधिया, बस यही कंफर्म करना था कि आप मीटिंग के लिए आ रहे हैं ना। जी मैं आप ही को कॉल करने वाला था, दरअसल बात यह है कि एक जरूरी काम निकल आया है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। आज आपने मुझे वो करने पे मजबूर कर दिया है आरती जी, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। पहली बार उस इंसान का पीछा करने जा रहा हूं मैं, जिस पर खुद से ज्यादा भरोसा था मुझे।